वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज किरण बलोच हियर। होप यू आर ऑल डूइंग गुड और बहुत मज़े में होंगे और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी आपकी। और मेरी दुआ है खुदा से कि जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी, अल्लाह पाक उन सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडे आई एम शेयरिंग विद यू अ रेसिपी, पॉपकॉर्न, बीफ पॉपकॉर्न। सो आप सुनने में तो आपको डिफरेंट लग रहा होगा और इसका मतलब बहुत यूनिक तरीका है और बहुत ही जो है झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। बीफ पॉपकॉर्न है उनको बनाने के लिए जो मेथड है, जो तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या प्रोसीजर है, आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको जितनी भी ज़रूरत है आपने उतना बीफ या मटन ले लेना है। मेरे पास यहाँ पर बीफ है और उसको ना इतने पीसेस उसके जो है वो काट लेने हैं उसके। सो इस इतने साइज़ की जो है बोटियाँ होनी चाहिए। और उसके बाद आपने इसको कुकर में रख के, मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून जो है रेड पेपर, आप अपनी ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, उसके अलावा इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक और थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर जो होता है वो ऐड किया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया, यानी कि जो सिंपल स्पाइसेस होते हैं जो घर में यूज़ होते हैं वही इसमें ऐड किए। और इसको मैंने जो है मतलब बॉयल होने के लिए, पकने के लिए रख दिया। आपने इतना पानी इसमें ऐड करना है जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसकी जो बोटियाँ जो आप देख रहे हैं ये कितने टेंडर हैं, इतनी होना चाहिए इसको। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जो भी आपको स्पाइसेस हैं वो ऐड कर सकती हैं आप। उसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसके लिए आपको चाहिए मैदा। मैदा आपने इतना लेना है कि जिसमें ये अच्छे तरीके से कोटिंग करते हुए आपको जो है मुश्किल जो है वो पेश ना आए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं बताती हूँ क्या करना आपने। उसके लिए आपने जितना भी मीट या मटन, बीफ, चिकन, आप जो भी ले रहे हैं आपने उसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है, लाइक जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें प्याज और ये सब कुछ इसमें कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और झटपट आप देखेंगे कि मिनटों में तैयार हो जाएगी। और इसके अंदर आपने क्या करना है, अब इसमें आपने 1 टेबल स्पून जो है सिरके के ऐड करने हैं। अगर आप चाहे तो सोया सॉस ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है। मैं यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस ले रही हूँ, आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। 1 टेबल स्पून इसमें जो है बारबेक्यू सॉस ऐड कर दी मैंने। आप चाहे तो इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो और जो भी आपको सॉसेज जो भी पसंद है आप ऐड कर सकते हो। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ें। सो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना और इस बात का ख्याल रखना है कि जब ये गल जाएगा, पक जाएगा, आपने इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देना और 15-20 मिनट के बाद आपने इसमें ये चीज़ें ऐड करनी है। मैंने भी ऐसे ही किया था। सो ये एक अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया इसमें सब कुछ। लाइक ये बहुत डिफरेंट है और आप ज़ाहिर ही बताइए ईद है, सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त होगा और सब एक ही किस्म की जो रेसिपीज़ हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। डिफरेंट चीज़ें भी जो हैं वो भी ट्राई करनी चाहिए और मतलब घर वालों को डिफरेंट चीज़ें जो है रेसिपीज़ तैयार करके उनको इंजॉय करवाएं। सो अब ये मिक्स हो गया, अब आपने नेक्स्ट प्रोसीजर ये करना है कि आपको चाहिए मैदा और आपको चाहिए है यहाँ पे ठंडा यख पानी। लाइक आप देख रहे हो ना कि इसमें ये आइस थी, आपको ठंडा यख पानी चाहिए। आप वो उसे एक बाउल में से इधर कन्वर्ट कर लें अपने किसी भी कटोरी में। ये हमारे पास पानी आ गया। पानी भी आ गया हमारे पास, ठंडा यख पानी चाहिए जो हमें आइस वाला पानी होता है। उसके बाद जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो इसका प्रोसीजर था, वो मैंने आपको बता दिया कि सिंपली जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करने हैं और देन उसको पका के 20-15 मिनट के लिए ठंडा होने देना। देन आपने इसमें 1-2 टेबल स्पून जो है बारबेक्यू के ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर लेना और इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। स्पाइसेस आप अपने जो है टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। सॉरी चीज़ें इधर उधर धर्म भरम हो गई हैं सारी। सो अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि आपने 1 बाय 1 ऐसे जो है मीट उसको लेना है, देन आपने इसको अच्छे तरीके से इसमें मैदे में एक कोटिंग करनी है। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी में ऐसे डिप करना है,
लाइक ऐसे इसके ऊपर एक वो आ जाएगी लेयर, देन आपने इसको दोबारा मैदे में कर देना है और आपने इसको अच्छे तरीके से मसल मसल कर लाइक इसके ऊपर क्रम्स जैसे बन जाए, आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना। आपने इसको मतलब अच्छे तरीके से हैंड वॉश कर लेंगे, आप ग्लव्स यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाथ से करने से जो है एक बरकत आती है और एक टेस्ट आता है, सो डैट्स वाई मैं हाथ से ही कर रही हूँ अच्छे तरीके से वॉश करके। और आपने इसको अच्छे तरीके से मसल मसल कर करना है ताकि इसके ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग हो जाए, इसके ऊपर जो मैदे के साथ जो हैं वो एक क्रम्स जो ऊपर वो बन जाए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैदा आपके पास इतना होना चाहिए जिसमें ये अच्छे तरीके से कोटिंग आप कर सको इजीली। अब आप यहाँ देख लो कि इसके ऊपर कितने खूबसूरत जो है वो क्रम्स जो हैं वो आ गई हैं इसके ऊपर, बहुत खूबसूरत सा ये फ्राई होगा। आपने ऐसे ही वन बाय वन करके इसको सारे को ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने किया। ये आपने एक दफ़ा कर लिया, देन आपने इसको पानी में करना है, उसके बाद पानी में से निकाल के आपने इसको दोबारा इसमें करना है और ये बहुत ही यमी। और आप इसको चाय के साथ सर्व करें या आप इसको लंच टाइम के लिए भी कर सकते हैं, लाइक आप दावतें करते हो या उसमें भी अगर आप ये करो ऐड अपनी डिश तो बहुत ही अच्छी लगेगी और डिफरेंट और यूनिक लगेगी। सो आपने इसको मसल मसल के अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेनी है ताकि इसको ऊपर जो क्रम्स टाइप जो है वो आ जाए। चीज़ कोई भी बाजारी ब्रेड क्रम्स हम यूज़ करते हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक इस तरह का फॉर्म में इसको आ जाना चाहिए। सो इसी तरह आपने सबको कर लेना है। मैं ऑफ कैमरा जल्दी से ये करके आती हूँ, फिर हम इसके जो फ्राइंग का है प्रोसीजर वो स्टार्ट करेंगे। मैं ऑफ कैमरा इसको जल्दी से करके आती हूँ। तो यहाँ पे जो है फाइनल जैसे भी जितने बीफ पॉपकॉर्न्स थे वो रेडी हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया आपने सेम प्रोसीजर से सारे जितने भी आपका मीट है आपने वो इसमें ऐसे सेम प्रोसीजर से कर लेना है। और आप इसको चिकन के साथ भी कर सकते हो और बीफ और मटन के साथ भी कर सकते हो। ख़ास तौर पर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो मेरे इंडियन जो व्यूअर्स हैं वो इसको चिकन के साथ ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि उनको जो है चिकन पॉपकॉर्न्स कैसे लगे। सो अब यहाँ पे जो है फ्लेम ऑन है और ऊपर पैन के जो है मैंने ऑयल या घी आप जो भी यूज़ करते हो आपने वो डाल लेना और इसको पहले फुल जो है फ्लेम पे इसको गर्म करना है अच्छे तरीके से ऑयल को, देन फिर आपने इसमें वन बाय वन ऐड करते जाना है ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई और गोल्डन सा कलर आए। से ये बहुत ही यमी और डिलीशियस लगते हैं और जो स्पाइसेस वगैरह थे वो भी इतने सिंपल थे, कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस और चीज़ें ऐड नहीं हुई। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है आप इसमें यू कैन ऐड चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, इसके अलावा आप जो भी स्पाइसी यूज़ करते हो सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिंपल मेथड से आप इसको बहुत ही यमी और डिलीशियस बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनते हैं और इंशाल्लाह ये भी बहुत ही क्रंची जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। सो यहाँ पे ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट जो है गर्म हो चुका है। अब जो हम इसको फ्राइंग का जो है प्रोसीजर वो स्टार्ट करेंगे और इसको वन बाय वन करके जो हम इसको फ्राई करते जाएंगे और डिश आउट करते जाएंगे। हमारा जो ऑयल है जितना हमें चाहिए उतना गर्म हो चुका है, अब हम इसमें वन बाय वन करके जो है इसमें अपने जो है वो पॉपकॉर्न बीफ पॉपकॉर्न जो है ऐड करते जाएंगे। आपने इनको जो है एकदम से ही डाल के इसको साइड चेंज नहीं करनी है, आपने इनको ठहरने देना है कुछ टाइम के लिए, देन आपने इनकी जो है साइड चेंज करनी है और आपने इनको डीप फ्राई करना है जैसे कि आप देख रहे हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और आप ये जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी मिलें और आपको बिल्कुल भी देखने में देर ना करें। सो बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है मेरी ब्यूटी टिप्स के बारे में भी वीडियोस अपलोड होंगी और आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और आपने इसको मस्ट ट्राई करना है, ये बहुत ही यमी और क्रिस्पी बनते हैं। सो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक साइड से बिल्कुल है क्या, अब हम इनकी जो है साइड चेंज कर देंगे। आपने शुरू में इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल गर्म रखना है, आपने ठंडे ऑयल में इनको नहीं डालना। मैं यहाँ पे इनकी जो है वन बाय वन करके साइड चेंज कर रही हूँ
मैं इसलिए वन बाय वन करके कर रही हूँ ताकि ये टूटे ना, और जो इनके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं वो इनसे जो है वो अलग ना हो जाए और टूट ना जाए। तो वन बाय वन करके आपने करना है एहतियात से। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुरू में यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि मैदे में आप पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा जो है अपने टेस्ट के हिसाब से रेड पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं वो चिकन के साथ इसको ज़रूर ट्राई करें, और मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो यहाँ पे जल्दी से ये जैसे ही जो है इसका कलर चेंज होगा ये गोल्डन कलर में आएगा, और फिर मैं आपको इसका जो है फाइनल जो स्टेज दिखाती हूँ कि आपने किस हद तक इसको जो है वो फ्राई करना है। देन फिर जो हम नेक्स्ट करेंगे मैं वो ऑफ कैमरा कर लूँगी, और फिर मैं आपको जो है सर्व करके और उसकी जो गार्निशिंग है जैसे करनी है वो करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ये इनकी फाइनल स्टेज है। आप देख लें कि आपने इसको किस तरीके से कितना हद तक आपने इसको करना है। जैसे कि आप देख रहे हो गोल्डन सा बहुत अच्छा सा कलर आ जाए ताकि ये जो है क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसको जो है डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब जो नेक्स्ट है वो भी इसमें वन बाय वन करके आपने ऐड करते जाना है, और इसी तरह से आपने जो है सारे फ्राई कर लेने हैं। और आपने इसको चाय के साथ टी टाइम या आप इसको जो है लंच टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे और डिलीशियस लगते हैं, यमी लगते हैं, और आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। तो मैं जो बाकी हैं वो जल्दी से ऑफ कैमरा इनको फ्राई करके फिर आपको डिश आउट करके सर्व करके दिखाती हूँ आपको। सो मिलती हूँ मैं आपको इनको जो है बाकियों को फ्राई। यहाँ पे जो है रेसिपी वो बिल्कुल रेडी हो गई। आप देख लेंगे ये कितने खूबसूरत जो है क्रंच टाइप के जो इसके ऊपर एक लेयर्स आई हुई हैं, और बहुत ही क्रिस्पी और जो है टेस्टी बने हैं। और मैंने इनको ट्राई, आप देख सकते हैं, यू कैन सी इजीली कितने अच्छे इसके ऊपर से ये जो क्रम्स हैं ये आए हैं, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बने हैं क्योंकि मैंने ट्राई किए हैं, टेस्ट किए हैं, और मुझे बहुत मज़े के लगे। आप देख सकते हो इजीली के इसके ऊपर कितनी अच्छी लेयर्स आई है क्रिस्पीनेस की। सो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो होप कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर डूइंग इट, एंड प्लीज़ टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और जाते जाते मैं आज एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने रिश्ते जो भी हैं आप उनका एहतराम करना सीखें, उनको प्यार करें और उनको रिस्पेक्ट दें, और अपनों की कदर करना सीखें। जो आपसे प्यार करते हैं उनको बदले में प्यार दें और उनको रिस्पेक्ट और इज्जत दें। सो इसी के साथ मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।